एक बार मैंने बताया है घर पे, एक बार मैंने नहीं बताया यार। कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे होंगे और आज मुझे ये जूड़ा बना के ना यार कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। बाल के बाल खराब ना हो जाए इस चक्कर में खोले रहते हो, बट इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा हवा लग रही है। खैर मैं अभी अभी बाहर से आ रही हूँ, आप लोगों ने देखा मैं बेटी को छोड़ के बस अंदर आ रही हूँ और अब जा रही हूँ अपने लिए चाय रखूँगी, चाय चढ़ाऊँगी, चाय बनाऊँगी और सुबह मैं अपना गर्म पानी और जो हनी पीती हूँ वार्म वाटर वो मेरा हो चुका, वो मैं सुबह सुबह पी ली और अब जा रही हूँ चाय पीने। तो मिलती हूँ आपसे, चाय पी लूँ फिर मिलती हूँ। चाय चढ़ी है अभी तक हुई नहीं है तो मैंने सोचा तब तक चलती हूँ वॉशिंग मशीन देख के आती हूँ क्योंकि उसमें भी अभी काफ़ी देर है लगता है। चला तो सुबह ही दी थी लेकिन वही है ना, रोकनी पड़ती है बीच बीच क्योंकि बेटी ये अब आ रही है नहा के, अब उनके कपड़े डालो, फिर ये नहा के आ रहे हैं इनके, तो रोकनी पड़ जाती बीच बीच ना, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। और इसलिए देखो अभी तक हो गया टाइम मशीन का काम हुआ। खैर चलो देखो मेरी चाय चढ़ी है, मैंने उसकी भी बना ली है, वो भी आई रही होगी मेरी तो उसके लिए भी बना रही हूँ एक्चुअली, इसीलिए और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो चलो बन जाए फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक मैं थोड़ा अपना और भी काम कर लूँ। आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने खाना पीना सब बना लिया है, पनीर आज बनाया है। ओहो लाइट नहीं जल रही, और बहुत दिनों के बाद आज बनाई है। और मेरे बाल देखो कितने अच्छे हो रहे, कल जो शैम्पू करा के आई हूँ ना तो ना बाउंस है, और मैंने थोड़ा नीचे से ट्रिम भी करा लिया था तो देखो एकदम इवन हो गए। पहले आप लोग देखते हो गए कि बाल ऊँचे नीचे होते, बहुत दिनों से हो रहा था एक्चुअली कि कटाऊँगी कटाऊँगी। उस दिन भी जब हाईलाइट कराने गई ना तो बिल्कुल ध्यान से उतर गया कि उसको बोलूँ कि वॉश के बाद ट्रिम कर देना, लेकिन मैं ही भूल गई। तो फिलहाल तो मैं काम वाम कर चुकी, फिर हमने रेडी हो गई थी, मैंने सोचा चलो कुछ रील्स वगैरह बना लूँ। तो फेस टचअप किया है अभी, कपड़े चेंज नहीं किए हैं, जा रही हूँ अब देखती हूँ क्या आज कपड़े देखती हूँ, कौन सी रील है क्या है कुछ करती हूँ। साड़ी पहनने का तो देखो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी इतनी ज़बरदस्त है, ठीक है तो कुछ ना कुछ देखती हूँ ऐसे पहन के, रील वील कुछ बनाती हूँ, एक आध दिन में आपको दिखी जाएंगी क्योंकि आज बनाती हूँ तो दो चार दिन बाद ही रील मिलती है। तो और मैं आप लोग को कल एक चीज़ और बताऊँ, कल जब मैं शैम्पू करा के निकली ना तो मेरा इस हाथ का राइट हैंड हाथ का, मैं दिखाती हूँ ये देखो मेरा एक नेल कहीं गिर गया, गिरा तो इसका भी है अंगूठे का भी, लेकिन वो घर पे गिरा, वो मेरे पास रखा हुआ है, बट ये उंगली वाला ना मेरा गिर गया, मुझे पता भी नहीं चला मुझे कहाँ गिरा क्या हुआ। तो घर पे गिरता है तो ठीक भी है, मैं फिर से उसको गम के साथ कर लेती हूँ, बट यार आज एक उंगली का खो गया। खैर बस दो चार दिन का मुझे और इंतज़ार है बस हो जाए, और इस हाथ में लेकिन अभी सब ठीक है। तो इसी हाथ में मुझे यहाँ पे इंक लगवानी है, तो भगवान करे ये हाथ के अभी नए नेल्स ना निकले प्लीज़। तो आप लोग भगवान से दुआ करना कि मेरे ये नेल्स ना निकले प्लीज़ प्लीज़, प्रे करना मेरे लिए और प्रसाद भी चढ़ाना प्लीज़। तो फिलहाल तो इतना, और हाँ कल एक चीज़ और मैं बता दूँ
कि मैं ब्लू शर्ट ले आई थी पर दिखा नहीं पाई थी, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस मैं दिखा दूँ, ये देखो मैं ब्लू शर्ट अपने लिए ले आई हूँ। टी शर्ट मुझे नहीं मिली बट मुझे शर्ट अच्छी दिखी तो मैं ले आई हूँ। मैं खोल के दिखा दूँ कैसी दिखती है, जैसी शर्ट दिखती है वैसी ही है। ये देखो कॉलर भी है, सब कुछ है। तो किसी दिन पहनूंगी, अभी तो खैर अभी इसको पहनने का कोई वो भी नहीं है क्योंकि पार्टी वेयर टाइप है। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आपके पास मतलब ब्लू शर्ट पहनने से अच्छा लगता है, तो फिर मैंने वार्डरोब चेक करी, मेरे पास वार्डरोब में एक भी ब्लू शर्ट टी शर्ट या कुछ भी नहीं था। तो मुझे बहुत बुरा लगा गाइस, बहुत बुरा लगा। तो मैं फट से तैयार हुई गई और पहले तो मैंने वो आलर पार्लर वाला सब काम किया, चेहरे की मरम्मत वगैरह करवानी थी वो करवाई, उसके बाद शैम्पू को ही शैम्पू का भी पड़ गया था रास्ते में तो उनसे भी मिल लिए और शैम्पू भी करवा लिया। तो बस फिर गई मैं अब सीधे बाजार और बाजार से ली मैंने ब्लू शर्ट और मेरे तसल्ली मिल गई कि अब मेरी वार्डरोब में ब्लू कलर की शर्ट वगैरह है। आइंदा मैं याद रखूंगी, अब जब भी शॉपिंग जाऊंगी तो टी शर्ट वगैरह ब्लू कलर की ज़रूर लेके रखूंगी क्योंकि ब्लू कलर बहुत अच्छा होता है लोगों के लिए। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि ब्लू शर्ट होने से क्या होता है, तो आपको भी जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको भी बता दूंगी कि ब्लू शर्ट होने से क्या होता है। तो फटाफट कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी। तो गाइस बच चुके हैं 2 और ये लोग अभी तक नहीं आए हैं। आज पता नहीं लग रहा रास्ते में कुछ जाम वगैरह है, कहने स्कूल से तो निकल ही चुके हैं बट अभी तक आए नहीं है। 2 बज गया, मैं वेट कर रही हूँ, सब्जी बनी हुई है, बस आएंगे तो खाना खाएंगे, राइस बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। रोटी खाने का किसी का भी मन नहीं करता, सब यही कहते हैं कि जल्दी से बस चावल दे दिया करो, सब्जी दे दो, खाना खा लिया करें। तो मैंने भी वैसे ही किया, जो बोलोगे भाई वो बना दूँगी। खैर जो भी है, अब जब तक आते नहीं है तब तक मैं वेट ही कर रही हूँ और क्या ही करूँ। और मेरा काम भी हो गया है, मतलब रील वाला वगैरह थोड़ी बहुत मैंने बनाई, आज ज़्यादा नहीं बनाई, चेंज अभी तक देखो नहीं किया। अब शाम को अगर कहीं निकलूँगी रील के लिए या कुछ काम के लिए, ग्रोसरी वाला काम अभी तक नहीं हुआ है गाइस, देखो कब होगा मुझे नहीं पता। अगर आज शाम को हुआ तब तो ठीक है। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊं कि स्कूल के टाइमिंग चेंज हो रहे हैं। आज मेरे पास मैसेज आ गया था स्कूल से कि कल से कुछ टाइम, एक तो क्लास 8 तक स्कूल बंद हो रहे हैं और ये है 12th में, तो इसलिए 9 to 12th के क्लासेस जो हैं अभी भी चलेंगे, 31st तक उनके क्लासेस चलेंगे। और लेकिन गर्मी की वजह से टाइमिंग उनका चेंज कर रहे हैं, तो 11:30 तक 11:45 तक छुट्टी कह रहे हो जाएगी, तो मतलब समझ लो कि 12:15 तक घर आ सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इतना टाइम मिल रहा है तो मैं अपना जाके ना इस जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ इसका स्क्रीन गार्ड थोड़ा सा चिटक गया है, एक बार गिर गया था, एक बार नहीं 2 बार गिर गया था, एक बार मैंने बताया है घर पे, एक बार मैंने नहीं बताया। तो खैर ब्लॉग से तो उनको पता ही चल जाएगा, खैर जो भी है हो सकता है ब्लॉग ना देखें मिस कर जाएं। तो 2 बार हुआ है और बहुत ज़्यादा लाइन वो ना सामने से बिल्कुल दिखाई देती है, मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ पहला काम वो करूँ, एप्पल स्टोर जाके उसको चेंज करवा लूँ क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है यार, बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो और करीबन टाइम हो गया 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो मैं टाल रही हूँ जैसे, इसलिए क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। और जहाँ एप्पल स्टोर ना मेरे घर से बहुत दूर है, प्लासियो जो फिनिक्स प्लासियो जो मॉल है लखनऊ का, जो होगा वो जानता होगा, वहाँ ही पे एप्पल स्टोर है, वहीं से मैंने ये फ़ोन लिया था। तो मैं वहीं जाऊँगी, मुझे वही ठीक लगता है और वहाँ के लोग स्टाफ से भी मेरी जान पहचान है अच्छी, तो मैं वहीं से ही कराना चाहूँगी। ऐसे तो एप्पल स्टोर अगर मैं देखूँ तो मैं इधर उधर भी होंगे, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, मैं उन्हीं लोगों से ही करवाना चाहती हूँ जो जान पहचान के लोग हैं। तो ये भी काम करा लूँ और स्कूल का भी मैंने सोचा आपको बता दूँ। ये तो हमें पूछना चाहिए कि बाहर कौन है, तुम आई हो, हम नहीं आए, हम गरीब पे हैं, क्या नहीं आई है, क्या लाती हो रोज, ये ना ना नारियल पानी नहीं बोलते इंग्लिश में, ओह माय गॉड कोकोनट वाटर, ये क्या पानी की बोतल की पीते हुए आती हूँ, इससे क्यों पीती हूँ, ये तो स्प्रे के लिए है ना, मेरे नहीं करना, कैमरे पे आ जाएगा, बात कैमरे पे आ जाएगा, सुनो क्या कर रही, ये इन्होंने एक बोतल ऑनलाइन मंगवाई थी स्प्रे, मुंह में पानी मारने, कैसे दिखाओ ये देखो, तो जब गर्मी लगती है तो ये स्प्रे, गर्मी नहीं जब क्लास में नींद आती है, अच्छा नींद भगाने के लिए, ओके
चलो चेंज करो। तो गाइस ये लोग आ चुकी हैं, जैसे आपने देख लिया ये आ गई मुँह में पानी छड़कती हुई। तो जैसे नहीं बेहोश को पानी छड़क के वो होश में लाया जाता है वैसे। तो खैर चलिए होश में आ गई हैं, अब चल लगाते हैं खाना पीना, मिलती हूँ आपसे शाम को। ए पांडा, FCP मिला है, वो लिया है मैंने, उसको कुछ तो कर दो यार। सारा दिन मोबाइल में ग्रुप में लगी रहती हूँ, काम कुछ नहीं है तुमको। बताओ क्या कर रहा है, निकालो लैपटॉप ना, फिर देखो मोबाइल पे ही बैठी फिर से। मैडम इससे कुछ भी बोलो ना, कुछ नहीं, कोई असर ही नहीं पड़ता। क्या कर लोगे? अरे नई मीम्स आई होंगी यार, एवरीडे नई आती रहती हैं। तो कम से कम लेके करो, तो मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो। तो गाइस अब हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे काम के लिए, और हम मैंने बता दूँ मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, काफ़ी अच्छा वाला, महंगा वाला। अभी तक तो मैं इन शॉट में ही कर रही थी, बट मुझे चाहिए था कि क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो। व्लॉग भले ही चल ना रहे हो, 50-60 से व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हो, लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए। तो क्या जग मार के जिद करके मैंने ले तो लिया है, अब बैठ रहे हैं उसमें कुछ काम करने में, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, मीम्स वगैरह जो आप अगर डाल सकते हो वो उसमें मिल जाता है, वो सब इस मोबाइल में उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने लिया था, और मैंने बहुत पहले से बोल रखा था, एक्चुअली अभी नहीं बोला था, करीबन 2 महीने जनवरी तक तो मेरे पास ट्रायल बेस पे था, जब ख़त्म हुआ 10 या 12 जनवरी तक ख़त्म हो गया, उसके बाद से फिर मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला, और मिल भी नहीं रहा था, ये हो भी नहीं पा रहा था काम की, जाओ ले कराओ सॉफ्टवेयर अपडेट कराओ, ये कराओ वो कराओ, तो इसी वजह से इतना लेट हो गया। 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन या 4 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए भी, लिए हुए भी, और तब से हम लोगों ने उसको ट्राई नहीं किया। आज सोच रही हूँ आज का ये वाला व्लॉग मैं इसी से ही अपलोड करूँ, देखूँ क्या होता है, तो देखती हूँ, बने रहो व्लॉग में, कहीं मत जाना। चल रहा है, और इधर यहाँ देखो टीवी चल रहा है, कोई ब्लॉग देख रहा है किसी का, चलो कोई नहीं। तो गाइस काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, ब्लॉग लेकिन बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज इसको करती हूँ यहीं पे एंड, और बज भी रहा है रात का 10, तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी रेस्ट करो, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ब्लॉग को पूरा देखना मत भूलना। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।